हम सब अक्सर ही किसी न किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ खाने के बाद अक्सर ही वेटर को टिप भी देते हैं। लेकिन आप कितनी टिप देते होंगे? कुछ 100 या 1000? लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे एक शख्स ने वेटर को $16,000 यानी कि करीब 12 लाख की सिर्फ टिप दी है। इस खबर के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर खलबली मच गई। ये खबर न्यू हैम्पशायर के लंदन डेरी में रेस्टोरेंट की है, जहां इस्तांबुल इन बार एंड ग्रिल के मालिक ने सोमवार को फेसबुक पर बिल की एक फोटो शेयर की। पोस्ट में रेस्टोरेंट के मालिक माइकल जारेला ने बिना नाम बताए भोजन करने वाले को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। फोटो शेयर करते हुए जारेला ने लिखा, इस्तांबुल इन में एक बहुत उदार ग्राहक आया था, हम आपकी उदारता के लिए धन्यवाद करते हैं। रसीद से पता चलता है कि डिनर करने वाले शख्स ने $16,000 की टिप छोड़ी है, जो कि 11 लाख रुपए से ज्यादा है। रेस्टोरेंट के मालिक जारेला ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार 12 जून को बिल देखा तो उन्हें लगा कि ये एक गलती थी। उन्होंने आगे कहा कि डिनर करने वाला शख्स गुमनाम रहना चाहता था, इसीलिए वो शख्स कौन है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जारेला ने कहा कि जब तक उसने बिल का भुगतान नहीं किया तब तक वो एक नियमित खाना खाने वाले की तरह ही लग रहा था। उन्होंने कहा, एक सज्जन बार में आए और एक बियर और 2 चिली चीज डॉग्स का ऑर्डर दिया और फिर उन्होंने अचार के चिप्स और एक टकीला का ऑर्डर किया। करीब 3:30 बजे उन्होंने बार टेंडर से चेक मांगा, वो उसे देकर चली गई और उसने उससे कहा कि सब एक ही जगह पर ना खर्च करें। हालांकि बार टेंडर ने बिल को तुरंत नहीं देखा, लेकिन ये सब एक जगह खर्च ना करने की बात ने उसकी उत्सुकता बढ़ा दी। राशि देखकर उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वो मजाक कर रहा था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि वो चाहता था कि उसके पास ये हो। जारेला ने कहा कि घटना के बाद मैंने उनसे कहा कि हम सभी उस तरह के पैसे से असहज थे और उन्होंने कहा कि नहीं, वो चाहते थे कि ऐसा हो। जारेला के मुताबिक पैसा 8 बार टेंडर्स के बीच बराबर बांटा गया, जो आउटलेट पर सर्वर के रूप में भी 2 गुना है। पैसे का एक हिस्सा किचन वर्कर्स के साथ भी साझा किया जाएगा। जाहिर है इस खबर के सामने आने के बाद सभी रेस्टोरेंट और वहां काम करने वाले वेटर यही कामना कर रहे होंगे कि काश ऐसा वेटर हमें भी मिल जाए। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।